संभव क्लासेज की 2020 टेस्ट सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जीआर चौधरी और मेरे साथ आप हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हो। ये केवल प्रश्नोत्तर ही नहीं है, प्रश्नोत्तरों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी भी हम साथ साथ चर्चा करते हैं। लेकिन आपसे एक शिकायत है कि जितने भी आपके अंक आते हैं, आपको वीडियो कैसा लगता है उसके कमेंट के साथ साथ आपके जो अंक है 20 सवालों में से कितने आपने सही किए हैं उनको कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हम टेस्ट सीरीज अपनी शुरू करते हैं 20 सवालों की। 20 सवाल जो आज आपके लिए है उसके बारे में मैं सामने सा परिचय बता दूं कि ये जो 20 सवाल आपके हैं वो है बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध के जीवन से। देखो, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल लगभग देखने को मिलता है इनमें से, लेकिन ये जो सवाल है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों प्राचीन इतिहास में काफी प्रसिद्ध पॉइंटों में से गिने जाते हैं और इन दोनों पॉइंटों को बड़ा डीपली गंभीरता से पढ़ना पड़ता है क्योंकि इनमें से सवाल काफी कठिन स्तर के आते हैं। साथ ही दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपस में मिक्स होने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आप ये कोशिश करना कि दोनों टॉपिक आपके बिल्कुल अलग अलग क्लियर हो और आपके कोई सवाल में कोई डाउट नहीं रहे। आज मैं आपको मोटे तौर से जो 20 सवाल आपके लिए लाया हूं वो 20 सवाल विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, तो आपको एक मोटे तौर से आइडिया हो जाएगा कि किस किस प्रकार के सवाल है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक मोटा आइडिया हो जाएगा, आपने इतने दिन तैयारी की है तो उस तैयारी में आपकी क्या दिशा थी, कितनी उसकी में आपकी पकड़ थी, ये सब आपका क्लियर होने वाला है। और यदि मैं फिर कह रहा हूँ कि इस 20 सवालों में से बहुत मेहनत करके मैं 20 सवाल लाता हूँ आपके लिए, 20 सवालों में से यदि 10 सवाल भी आप बिना डाउट के कर रहे हो तो आपकी जो तैयारी है वो सेटिस्फाइड करती है। तो हम फटाफट पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहले सवाल को देखते ही वीडियो को पॉज करके उसका उत्तर सोचने की कोशिश करना, वीडियो रोक लिया करो, सवाल आता है सोचा करो, उसके बाद में आप मन में उत्तर रखा करो, उसके बाद में जब उत्तर आए तो अपना एनालिसिस कर लिया करो कि उत्तर सही है या गलत है। तो चलो, बातें बातें बीच में होती रहेगी, हम फटाफट शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला जो सवाल है वो है आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार कि धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। पहला सवाल है धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। महात्मा बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन से समझा दूं मैं, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था। तो देखो, आप सबको पता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, उपदेश वो धर्मचक्र प्रवर्तन। चक्र का मतलब आपने देखा होगा, जैसे तिरंगे में भी चक्र होता है, अशोक का भी चक्र, अशोक चक्र लिया गया है, तिरंगे में चक्र होता है, वैसे पुराने जो हिंदू देवी देवता है उनको भी पीछे चक्र की एक शक्ल दी जाती थी जिसमें एक ज्ञान से संबंधित जो चिन्ह होता था वो चक्र कहलाता था। तो यहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ आता है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है श्रावस्ती, सांची, सारनाथ या वैशाली। फटाफट सोच लिया और उत्तर आता है सारनाथ। धर्मचक्र प्रवर्तन का कहां दिया गया था, सारनाथ में। पहला। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। देखो, मैं बता दूं कि बुद्ध का मतलब होता है महान व्यक्तियों का जीवन या उपदेश, धम्म का मतलब होता है धर्म, और संघ का मतलब है बौद्ध धर्म का जो संघ होते थे उनके नियम। ये तीन चीजें मिलकर क्या कहलाती थी, त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति। इतनी देर में आइडिया हो जाना चाहिए यदि आ रहा है। इसका उत्तर होगा त्रिरत्न। कितना सही हुआ आपका, आप खुद सोचते रहिए कि कितने आपने सही किए। अगला सवाल है वो ध्यान से देखना, बौद्ध स्तूपों पर, बौद्ध जो बुद्ध महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार जो आकृति, छत वाली जो अर्ध गोलाकार आकृति होती थी उसको क्या बोला जाता था।
काफी अच्छा सवाल है, कई बार आईएएस से लेके छोटे एग्जाम होता है उसमें से यूपीएससी के पेपरों में से भी बहुत सारे सवाल लिए गए हैं। तो ये सवाल आपको कहता है कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो थे, बुद्ध के जो अवशेष थे उनके ऊपर एक निर्माण किया गया था, और उस निर्माण में एक गुंबद होता था, और गुंबद ऐसा होता था, ठीक है। तो ऐसी जो संरचना बनाई जाती थी उसको क्या कहते थे? ऑप्शन ए है स्तूप, दूसरा धर्मादेश, तीसरा स्तंभ, चौथा एकाश्मक। अब आपको आइडिया हो रहा है किस प्रकार के बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल आते हैं। चलो मैं बता देता हूं इसका उत्तर। इसका उत्तर है स्तूप, जिसको कई बार चैत्य भी बोला जाता है, स्तूप या चैत्य। तो इसका उत्तर होगा, इसकी आकृति ऐसी होती थी ऊपर से अर्धगोलाकार। बहुत सारे स्तूपों का नाम भी आपका आपने इसमें पढ़े होंगे कि बहुत सारे स्तूप कहाँ कहाँ है, तो वो भी याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वो है, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? देखो मैं फिर बता दूं कि बौद्ध चारों जो बौद्ध संगीतियाँ थी वो चारों बौद्ध संगीतियों में से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। उनमें से आपको, यदि आपने अभी तक पढ़ नहीं रखा है, तो बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, किस शासक के समय हुआ, कौन उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, और साथ में उस बौद्ध संगति से क्या निकल कर आया, कौन सी नई चीज बनी। तो ये चीजें, चार चीजें, चार सवाल आपके मन में रखना है। बौद्ध संगति कहाँ हुई, उस स्थान का नाम रखना, किस शासनकाल शासक के समय हुई, कब हुई ये भी पता होना चाहिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पता होना चाहिए, और साथ में इस बौद्ध संगति में क्या निष्कर्ष निकल कर आए, क्या परिणाम क्या रहा, ये चार चीजें आनी चाहिए। तो प्रथम, दूसरी, तृतीय और चतुर्थ, चारों बौद्ध संगतियों का सवाल आपका है, बौद्धों की जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो उसका आयोजन कहाँ हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। अब आपको बताता चलूं कि 383 ईसा पूर्व में, पहले इसमें देख लो आप कौन सा उत्तर सही होगा। 383 ईसा पूर्व में शासक था कालाशोक, शासक का नाम था कालाशोक। अब याद रखना आप चारों, लेकिन इसमें से दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ ये उत्तर है आपका, और इसका उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर है वैशाली। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय हुआ था, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे सर्वकामिनी। तो यह भी आपको याद रखना है। बहुत सारे सवाल, एक एक सवाल में चार चार पांच पांच सवाल घुसे हैं। अगला सवाल है, सप्तकर्णी गुफा कहां स्थित है? सप्तकर्णी गुफा कहां स्थित है? देखो मैं आपको बताता चलूं कि सप्तकर्णी गुफा क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में, तो उसमें एक जगह मिलेगी आपको सप्तकर्णी गुफा। आप सबको पता है कि सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अब सवाल में पूछा गया है कि सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है, तो इसका आपको सीधा सा उत्तर है कि इसमें कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो कहाँ है ये सोच के उत्तर बताओ, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका मैं उत्तर आपको बता दूं, इसका उत्तर है, ऑप्शन है नालंदा में, सांची में, पावापुरी में, राजगृह, और इसका उत्तर है राजगृह में। और कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। सप्तकर्णी गुफा कहां है, राजगृह बिहार में। ये कहां है, बिहार। तो यहां इसका बौद्ध संगति, और ये आपको मैं बता दूं कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी 483 ईसा पूर्व में मानी जाती है, मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो था राजगृह सप्तकर्णी गुफा। अगला सवाल है, छठा सवाल है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों से संबंधित प्रवचन संकलित है?
काफी अच्छा सवाल है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों से संबंधित प्रवचन संकलित है? देखो चार ऑप्शन है, जातक कथाएं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। तीन पिटकों का नाम है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। आप जब भी तैयारी करो इन तीनों पिटकों के विषय जरूर याद रख लेना, पिटकों के विषय आप जरूर याद रखना, पिटकों के विषय ये आपको याद होना चाहिए, कई बार सवाल इनमें से पूछे जाते हैं। तो देखो पहला है जातक कथाएं, इसके बारे में मोटा तौर से मैं बता दूं कि जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित होती थी। विनय पिटक नाम से पता चल रहा है, विनय पिटक, विनय का मतलब विनम्रता, तो यहाँ जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको किस प्रकार रहना है, विनय पिटक में उनके आचार या आचरण से संबंधित ज्ञान था। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाओं से संबंधित था, और सूत पिटक महात्मा बौद्ध की उनके शिष्यों को दी गई शिक्षाएं सम्मिलित थी। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा अभिधम पिटक। अगला है चार में पिटकों का विषय आपको जरूर याद रखना है। अगला जो सवाल है सातवां सवाल है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? देखो बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ा तो कुछ राजाओं के नाम भी इसमें दिए हुए आते हैं कि इस राजा ने ये किया था, इसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध वहां गए थे, इस राजा ने सत्कार किया था वगैरह वगैरह बातें आती है। तो आपका सवाल है, बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छा कलेक्शन है कि ये 20 सवाल आप देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करके पता करना कि उनकी क्या स्थिति है, वो आपकी क्या स्थिति है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद। चार ऑप्शन है, कौन सा आपका होगा? आपको मैं बताता चलूं कि बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के शासक थे, ये भी मगध का और ये भी मगध। देखो कौन सा उत्तर होगा, तो इसका उत्तर मैं बता दूं, महापद्मनंद, जिन्होंने महापद्मनंद किया है उनका उत्तर सही है, महापद्मनंद महात्मा बुद्ध के समकालीन नहीं थे। अगला सवाल है, आठवां सवाल इस प्रकार है, आठवां सवाल देखो, अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म से संबंधित है या क्या है ये बामियाना? काफी प्रसिद्ध रहा था 2001 में, ये काफी सुर्खियों में रहा था जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी, तब ये बामियान एक जगह है वो काफी प्रसिद्ध रही थी। ये किससे संबंधित है? हाथीदांत के काम हेतु, हिंदू मंदिर के कारण, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु या बुद्ध प्रतिमा के लिए? तो देखो मैं आपको बताता चलूं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं थी, बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी, उनको तोड़ा गया था, इसीलिए ये बामियाना प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका उत्तर होगा बुद्ध प्रतिमा के लिए, क्योंकि अब इसका संसार भर में विरोध हुआ था कि तालिबान ने उनकी मूर्तियों को क्षत विक्षत किया था, तो इस वजह से है। कई बार सवाल आता है बामियाना कहाँ है, किससे संबंधित है वगैरह वगैरह, किसी प्रकार का सवाल बन सकता है। अगला सवाल है, जातक से संबंधित वर्णन, कौन सा वर्णन सही है? अभी आपका एक दो सवाल पहले एक सवाल आया था पिटकों से संबंधित, उसमें भी जातक का जिक्र आया था, तो जातक से संबंधित वर्णन सही है। तो बुद्ध के जन्म से है, बुद्ध के निर्वाण से है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से है या धर्मचक्र प्रवर्तन से है? तो आपको आ गया होगा आइडिया, काफ़ी इजी सवाल है। आपको पता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म में से संबंधित क्या है? जातक कथाएं शामिल है, जिसमें महात्मा बुद्ध के पहले के जन्मों में बुद्ध कौन थे, कैसे थे, कहाँ जन्मे थे, उसकी वगैरह कहानियां लिखी हुई है जातक में। तो इसका उत्तर होगा सी। अगला सवाल है दसवां सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये काफी नया सा सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है ये, मैं आपको बता दूं, नहीं आया है आइडिया तो इसका उत्तर होगा राजगृह। आपको पता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था उसी के आसपास इसका निर्माण किया गया है विश्व शांति स्तूप की। अगला है, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? सिंपल सवाल, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो ऑप्शन आपके है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो आपको मैं बता दो चलूं कि बुद्ध का जन्म
लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल के तराई प्रदेश में है लुम्बिनी, जो आजकल सिद्धार्थ नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके आसपास का क्षेत्र था सिद्धार्थ नगर, क्योंकि सिद्धार्थ था अभी चर्चा आई थी। तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला सवाल है 12वां सवाल, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? देखो, आप सबको पता है कि प्रथम बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई, दूसरी बौद्ध संगति पहले बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई, दूसरी कालाशोक के समय हुई, तीसरी अशोक के समय हुई और चौथी हुई थी कनिष्क के समय, प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय। और कनिष्क के समय ये जो बौद्ध संगति हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। तो इसमें बात आती है कि अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है नागार्जुन, पार्श्व, शुद्रक या वसुमित्र। काफी ऑप्शन इजी है, तो चलो मैं बता देता हूं, इसका उत्तर होगा वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, और उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ऑप्शन होगा वसुमित्र। 13वां सवाल, 13वां सवाल है गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये 13वां जो सवाल है यह आपके लिए छोड़ता हूं, इसको ढूंढ के आप याद करके बताना और कमेंट करके बताना। एक सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं कि बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिन्होंने महात्मा बुद्ध का उपचार किया था, महात्मा बुद्ध के साथ ही थे, उनके शिष्य भी थे, तो वो किसके दरबार में थे? ये सवाल आपके लिए है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके जरूर बताना आप। 14वां सवाल है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? देखो, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु आपको पता है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो वो जो मृत्यु हुई थी वो था कुशीनगर। ये भी आपको याद होगा, कुशीनगर में हुई थी उनकी मृत्यु। लेकिन पूछा ये सवाल गया है कि ये कौन सा गणतंत्र था, मतलब किनका शासन था इस पर? लिच्छवियों का शासन था, मल्लों का शासन था, साक्यों का शासन था या पालों का शासन था? फटाफट सोच के बताओ। ऑप्शन उत्तर होगा मल्लों का शासन। 14वां सवाल, 15वां सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में, बहुत उच्च स्तरीय सवालों में आता है। बौद्ध धर्म में या महात्मा बुद्ध का जीवन पढ़ा होगा तो उनकी प्रत्येक जीवन की जो घटना है वो किसी जीव या पेड़ से उसको जोड़ा गया था, तो आपको बताना है। ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, आपको इसमें सुमेलित करना है कि जन्म से संबंधित कौन सी है, प्रथम प्रवचन से संबंधित कौन सा है, महाबोधि कौन सा है और त्याग से संबंधित कौन सा है, इनको सुमेलित करना है। तो देखो, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उनको बड़े ध्यान से, अब इसमें ऑप्शन आएगा एक बी, ऐसे करके ऑप्शन आता है, आप सबको पता है। तो इनमें बड़े एक जो आपको ढंग से लगे, जो आपको सटीक हो, उनको मिलाओ। जैसे महाबोधि, तो इसको क्या किससे जोड़ दिया? बोधि से। अब देखो, प्रथम प्रवचन इसको बोलते हैं धर्मचक्र, ठीक है। जन्म इसको बोलते हैं कमल या सांड, कई बार सांड, तो ये भी आपको याद रखना है। और त्याग, गृह त्याग की जो घटना थी वो घोड़े से संबंधित थी। तो एक में डी, दो में बी, तीन में ए और चार में सी, इस प्रकार सम्मिलित होता है। देखो, मेरे ये सवाल यूँ नहीं कह रहा कि इसी में से सवाल सारे आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन एक मोटा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, सब कुछ ना तो मुझे आता है ना आपको आता है, और
सब कुछ आना जरूरी भी नहीं है, लेकिन आपको सबसे परफेक्टनेस वो होती है एग्जाम में जब किसी को पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिसको ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सिलेक्शन इजीली हो जाता है। तो इसीलिए ये श्रृंखला है। अगला सवाल 16वां सवाल है, 16वां सवाल है, तमिल के गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है। देखो तमिल के जितने भी ग्रंथ है उनमें एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि ये किससे संबंधित है? देखो मैंने बड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, चारों धर्मों का जिक्र है, लेकिन जीवक चिंतामणि है वो किस धर्म से संबंधित है? अब आपको कुछ बच्चे तो यही कोशिश कर रहे होंगे कि भाई अभी बौद्ध धर्म की चर्चा चल रही है तो फटाफट भर दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो उसका जो राइटर थे, लेखक थे, उनका नाम थोड़ा सा याद रखना, ये नाम था, देखो पढ़ने में भी तमिल में थोड़ा सा हार्ड, तिरुत कक देवर इसके लेखक थे जीव चिंतामणि के। और लेकिन सवाल पूछा गया कि किस धर्म से संबंधित है, तो आपने सबने सोचा होगा बौद्ध धर्म, लेकिन ये ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, जैन धर्म के जीवक से संबंधित ये है। अगला जो 17वां सवाल है वो है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य, बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। क्या है मिलिंद पन्हो? पन्हो का मतलब होता है सवाल, पन्हो का मतलब होता है सवाल, कि मिलिंद से एक बौद्ध भिक्षु ने सवाल पूछे थे, संवाद हुआ था उनके बीच में, वार्तालाप हुई थी, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु कौन था? नागभट्ट, नागार्जुन, कुमारिल भट्ट या नागसेन? देखो नाग तो पक्का है, तीनों में है, लेकिन अब यहाँ एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि नागसेन था, नागभट्ट था, नागार्जुन था, सोचो क्या उत्तर आता है? तो इसका उत्तर होगा नागसेन। 17वें सवाल का उत्तर होगा नागसेन। अब सही किया या कंफ्यूजन हो गए देखना आप, और कंफ्यूज हो रहे हो तो आपकी तैयारी में कमी है, कंफ्यूज वही होता है जो एकदम 100% विश्वास नहीं होता है। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? सवाल है किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था? बौद्धवाद यूं कह सकते हो, बौद्धवाद कह दो, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था, संस्कृत, प्राकृत, पाली या सोर्सिन? देखो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि काफ़ी भाषा जो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो जनसामान्य की भाषा थी, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये कहता है कि इस भाषा में बौद्धवाद का प्रचार हुआ था? ये आपका सवाल है, स्क्रीन पे देखना ध्यान से, उत्तर सोचना, मैं तो बताऊंगा ही। आपका उत्तर होगा इसमें पाली भाषा। पाली भाषा की वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ, क्योंकि ये एक जनसामान्य की भाषा थी। अगला सवाल है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? देखो अजंता और एलोरा की गुफाएं, कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो देखो इसमें हिंदू धर्म से संबंधित भी है, बौद्ध धर्म से संबंधित भी है और जैन धर्म से संबंधित भी इसमें चित्र है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन, ये सरल सवाल है, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा? इतनी देर में आ जाना चाहिए उत्तर, महाराष्ट्र। लास्ट सवाल है 20वां सवाल, 2020 श्रृंखला का 20वां सवाल अब आ रहा है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, बाद में बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई, बचपन का नाम क्या था? इसी श्रृंखला में यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इस प्रकार ये थी आपकी 20 सवालों की श्रृंखला, और 20 सवालों में से अब आपने कितने सवाल सही किए वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और साथ में ये भी बताना एक सवाल आपको दिया था, जीवक जो वैद्य था वो कौन था, किस राजा के राजदरबारी था, उसके बारे में भी मुझे डिटेल से लिख के आप बताना।
मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सबके अच्छे अंक आए हो। यदि कमी भी रही है तो अभी मौका है, एग्जाम नहीं था ये कोई आपका, और एग्जाम से पहले ये बिंदु आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैन धर्म का एक नया टॉपिक लेके जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक वीडियो को शेयर करते रहो और मुझे आज्ञा दो। धन्यवाद। जय हिंद।